कुक विद्या एंड मिक्की में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको बढ़िया खीर बना कर बतलाते हैं जो माँ का भोग चढ़ेगा। माँ का भोग बनाने के लिए हम खीर बना रहे हैं। इसके लिए हमें ये गोविंद भोग चावल, ये छोटे छोटे दाने के आते हैं, खीर की चावल बोलते हैं, 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम चीनी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता और काजू, किशमिश और इलायची, इलायची दो दाना लिए हैं। उसके लिए 4 इलायची ले लूँगी और 1 किलो दूध। दूध को गर्म होने देते हैं, तब तक हम चावल को धो लेते हैं, अच्छे से पानी से अच्छे से चावल को धो लेते हैं। फिर उसके बाद उबलने के बाद हम चावल डालेंगे और फिर ड्राई फ्रूट और इलायची को कट करके, इलायची को कूट कर देने से जल्दी बहुत बढ़िया स्वाद होती है। दूध में बॉयल होने वाला है, पहले से उबला हुआ दूध था मेरा, फिर भी बॉयल करके तब हम चावल डालेंगे। बॉयल हो गया, अब इसे चावल को धोकर रखी थी और इसे डाल देती हूँ। मीडियम आंच में इसको पकने देते हैं। इसे तस्मई भी बोलते हैं। अम्मा को अभी मौसम चल रहा है, नवरात्रि के टाइम है, इसलिए मैं भोग बना रही हूँ। उसी बीच में मैं ड्राई फ्रूट और इलायची को डाल देते हैं। अब 50% जब पक जाएगी मेरी चावल, उसके बाद हम चीनी डालेंगे। ऐसे खीर बनाने से बहुत स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया बनती है। ऐसे तो भोग के लिए बना रही हूँ, ऐसे भी बनाइए जैसे खाने का इच्छा हो, तो ऐसे बनाने से आपको बहुत अच्छी खीर बनती है। फिर चला के देख लेते हैं, ये देखिए 50% ये पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट तो पहले मैंने डाल दिया, चावल भी पक गई है और 5 से 7 मिनट इसको अभी पकने देते हैं मीडियम आंच में। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब गाढ़ापन हो गया ना, तब इसको नीचे बैठ भी जाएगा। नवरात्रि के टाइम में फास्टिंग भी करते हैं, जो सेना नमक खाते हैं, तो उसके लिए भी एक खीर बनाकर खा सकते हैं। जो फलहारी भी करते हैं वो तो अनाज नहीं खाएंगे, लेकिन जो एक टाइम अरवा चावल खा सकते हैं, ये अरवा चावल भी बोलते हैं इसको। खीर तो बहुत लोग को पसंद होती है, खाना खाने के बाद भी खीर सभी को पसंद होती है। मीठा कुछ खाने का इच्छा हो तो आप दूध में
ड्राई फ्रूट थोड़ा सा है तो दे दीजिए, आपको देने का इच्छा है तो दीजिए, नहीं देने का इच्छा है तो आप 3-4 इलायची दे दीजिए और चीनी बाद में दीजिएगा। अब देखिए मेरी खीर बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है, एकदम चावल भी पक गई अच्छे से, दिखा देते हैं आपको चावल में इसे, एकदम पक गई है पूरी। अब हम आपको सब करके दिखाते हैं। देखिए मेरा खीर बनकर तैयार हो गया है, अब मैं माँ को भोग चढ़ाऊंगी।